ईश्वर ने धरती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है, सृष्टि का क्रम चलाने की जिम्मेदारी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। बस करो ये पागलपन। अरे किसी में तो इंसानियत जिंदा रहने दो। अरे लानत है तुम्हारे इस गुस्से पर, लानत है तुम्हारे इस बदले पर। इंसाफ की बात करते हो? आप लोगों को जो करना था कर चुके। बेगुनाह निहत्थे कैदी पर जेल के अंदर हमला करवाया। इंसाफ है ये? अरे लानत है ये। अब हम चार औरतों के नाम फतवा निकाला है। जाओ कह दो अपने तालिबान से, जगह और वक्त बता दे, ये सिखनी वहां आ जाएगी। आप लोगों को बस पीठ पर वार करना आता है, पर हम हिंदुस्तानियों ने कभी पीठ दिखाना सीखा ही नहीं है। खड़ी हूँ सामने, हिम्मत है तो आकर सीने पर गोली चलाओ। हिम्मत है हिम्मत। तूने कीमत चुकाई? हाँ। पैसा पैसा? हाँ दिया ना पूरा। क्यों दिया? एक बार भी पूछा कि लड़की की जात क्या है, ईमान क्या है, धर्म क्या है, हिंदू है या मुसलमान? मतलब धर्म ईमान से इसका क्या? और आप जनाब बदनंगे, जात क्या है आपकी? जात मतलब ब्राह्मण हूँ। आपको पता भी है अभी अभी जिसका बिस्तर गरम करके आए हैं वो जात में क्या है? धर्म भ्रष्ट होने का डर नहीं है आपको? नहीं। और मतलब... क्या है ना जनाब अफसर साहब, हमने भी इनसे कोई पूछताछ नहीं की, जात ईमान धर्म मजहब, बस इन्होंने लड़की पसंद की, कीमत मुकर्रर की और खुशामदीद। क्या समझे? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? सभी कोठों में तो जनाब यही हमारा चूल्हा, यही चौका, यही चौखट, यही कोठी, यही कोठा, और इससे पहले कि कोई हमें यहां से हटाए हम उसके हाथ पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं पार्टीशन कर देंगे। ऐसो वुरोद बखत आ भी गयो तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जावेगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने गढ़ के बाहर पग भी न थर देती थी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाए? हम वहां जाएंगे। ये आप क्या कह रही है रानी सा? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं, हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी सा कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। महारानी लक्ष्मी बाई युवराज परवर श्री दामोदर राव के साथ पधार रही है। महारानी जी आप ये क्या कर रही हैं? मैं लक्ष्मी बाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सांस में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक।
ऑटो वाले अशोक बोल के करो व्हाटएवर जैसे तुमको ठीक है। हेलो अशोक, मेरी मानो तो सुलू का मन करता है कि तुम मेरे को पूरी बंबई घुमाओ, थक के जब घर वापस आओ तो मैं तुम्हारा सर दबा दूं, फिर भी नहीं माने तो तुम्हारा गला दबा दूं, और फिर भी नहीं माने तो घर के सारे कपड़े धुलवाओ। नाटक वाटक छोड़ो, अभी गाना सुन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ऐसे बात करती हो अपने हस्बैंड से? मैं तो कुछ भी बोल देती है अशोक से, गाय गाय। आरजे बनोगी? पक्का? पक्का। बहुत बड़ा रिस्क है, फर्स्ट टाइम है, मेरा जॉब भी जा सकता है। पक्का, प्रॉमिस। ट्रेनिंग करोगे? 100%। रात का शो है, आओगी? वो मैं 12th फेल हूँ। यह हवा आजाद है, इसे इमारतें रोक नहीं सकती, रास्ते बांध नहीं सकते। मैं जब यहाँ आती हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे मेरी पीठ पीछे से ये तो छोटे छोटे तितलियों के जैसे पंख निकलते हैं और फिर वो फैलने लगते हैं। देखिए मेरे पंख। हाँ, काफी बड़े हैं और उनमें हवा भर के मैं उठने लगती।